हेलो माय डियर फ्रेंड्स, पी न्यूज़ इंटरनेशनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में उज्जवेंद्र चहल का बायोग्राफी जानेंगे। उज्जवेंद्र चहल का जीवनी। उज्जवेंद्र चहल का जन्म 23 जुलाई 1990 को हरियाणा के जिंद जिले में हुआ था। उज्जवेंद्र चहल के पिता के चहल जिंद में ही वकालत करते हैं। 2002-03 में वे जिंद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा वे 1983 में गांव दरियावली के सरपंच और 1984 में मार्केट कमेटी जिंद के चेयरमैन भी रह चुके हैं। उज्जवेंद्र की मां सुनीता देवी सामान्य गृहिणी है। उज्जवेंद्र ने 7 साल की उम्र में जब खेलों की दुनिया में कदम रखा तो क्रिकेट और शतरंज दोनों में अपनी प्रतिभा का कमाल दिखाना शुरू कर दिया। अंडर 12 वर्ग में उज्जवेंद्र नेशनल क्लास चैंपियन रह चुके हैं। कोझिको में हुए एशियन यूथ चैंपियनशिप में वे भारत की तरफ से शामिल हुए। इसके बाद ग्रीस में आयोजित वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में भी वे भारत की तरफ से खेले। हालांकि चेस में उनका उभरता करियर कोई प्रायोजक न मिल पाने के कारण ठप हो गया। इस खेल को जारी रखने के लिए उज्जवेंद्र को हर साल लगभग 50 लाख रुपये की जरूरत होती, जो कि बिना किसी प्रायोजक के संभव नहीं था। आखिरकार उज्जवेंद्र ने शतरंज की बजाय क्रिकेट पर फोकस करना शुरू किया और इसी में आगे करियर बनाने का फैसला किया। उज्जवेंद्र चहल के पिता ने बेटे को अच्छी खिलाड़ी बनाने के लिए पूरी मदद की और उन्होंने अपने डेढ़ एकड़ खेत में उसकी प्रैक्टिस के लिए क्रिकेट पिच बनवा दी। जो अपनी मदद करता है, भगवान भी उसकी मदद करता है। ऐसा ही कुछ चहल के साथ हुआ। भारतीय टीम इतनी सख्त थी कि उसमें चहल के लिए कहीं जगह नहीं बना पा रही थी। फिर आया एक दिन जब टीम इंडियन इंग्लैंड के खिलाफ मैच खेल रही थी। 3 मैचों की टेस्ट की सीरीज के बाद रविंद्र जडेजा और अश्विनी को T20 सीरीज में आराम दे दिया गया और वहीं उनकी जगह 2 खिलाड़ियों का मौका दिया गया। उसमें एक नाम उज्जवेंद्र चहल का भी था। चहल ने उस मौके का फायदा उठाया और बेहतरीन खेलते हुए भारतीय क्रिकेट इतिहास में अपना नाम अव्वल दर्जे पर लिख दिया। उन्होंने एक लेग स्पिनर के तौर पर T20 इंटरनेशनल में 25 रन देकर 6 विकेट लिया, जो T20 का सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड था। उसके बाद चहल का खेल उनका साथ देता रहा और फिर कहीं नहीं रुके। अंतर्राष्ट्रीय करियर के बारे में बात करते हैं। 2016 में जिम्बाब्वे दौरे के लिए उन्हें 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया था। उन्होंने 11 जून 2016 को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में जिम्बाब्वे के खिलाफ अन्य एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच वनडे बनाया। दूसरे मैच में चहल ने 25 रन पर 3 विकेट लिया और 8 विकेट से जीत हासिल की। दूसरे ओवर में उनके द्वारा उन्होंने 109 किलोमीटर पर घंटा की गति पर सिम अप डिलीवरी प्रदान की। उनकी गेंदबाजी प्रदर्शन ने उन्हें मैच पुरस्कार में के पहले अंतर्राष्ट्रीय पुरुष भी हासिल किया था। उन्होंने 18 जून 2016 को हरियाणा में जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने T20 इंटरनेशनल की T20 पदार्पण किया।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।